मेरा नाम प्रगति है और मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज में. मैं जानना चाहती थी, मैंने कभी बचपन में सुना था कि आपके इसमें कलर्स, होली कलर्स या पाउडर्ड कलर्स ऐसा को यूज़ करना अलाउड नहीं है. मैं जानना चाहती थी ऐसे क्यों. मैंने सवाल पूछा है कि बचपन में उन्हें सुना है कि इस्लाम में कलर्ड पाउडर, होली पाउडर यूज़ करना हराम है. ऐसी कोई भी कुरान की आयत नहीं है या हदीस नहीं है जिसमें लिखा है कि रंग के पाउडर इस्तेमाल करना फी नफ्सी हराम है. लेकिन ये लिखा है कि दूसरे मज़ाहब में जो चीज़ है, जो फेस्टिवल्स है, उसके बुनियाद पे आप उसका नकल करेंगे तो वो गलत है. तो रंग बिरंगी पाउडर फी नफसी इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूं, अगर किसी को जख्म लगता है तो मैं लाल दवा लगाता हूं, लाल पाउडर तो लाल पाउडर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, तो रंग बिरंगी पाउडर करना हराम नहीं. लेकिन अगर आप होली के बारे में कह रहे हैं तो ये एक फेस्टिवल है, ये एक फेस्टिवल है जो गैर मुसलमान मनाते हैं, तो वो फेस्टिवल को मनाना जो कुरान और हदीस के खिलाफ है, ऐसा फेस्टिवल वो गलत है. लेकिन पाउडर इस्तेमाल करना पर से फी नफसी गलत नहीं है. और वो फेस्टिवल के पीछे आप देखेंगे क्या क्या वजह वो फेस्टिवल कर रहे हैं, तो जब आप वजह देखते हैं फेस्टिवल के बारे में तो पता चलता है कि वो वजह कुरान और हदीस के खिलाफ है. तो आप वजह देखेंगे कि कोई भी फेस्टिवल वो गैर मुसलमान क्यों बना रहा है. अक्सर आप जब तहकीक करेंगे ये वजह कुरान और हदीस के खिलाफ जाती है, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो गणपति हो. तो ये फेस्टिवल के आप पीछे जाएंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे तो अक्सर वो कुरान और हदीस के खिलाफ है, इसीलिए इसे मनाना गलत है. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. माइक नंबर दो भाइयों के शोबे में, सेंटर में जो माइक रखा गया है, इसमें कोई भाई गैर मुस्लिम हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए. जी भाई, अपना नाम और पेशा. मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूं. डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है. मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी के मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ. मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है मैं वहाँ हर जगह दरगाह पे जाता हूँ. यानी के दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ. फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक कलकत्ता का मुआज़िम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ, भूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चादर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है. तो मैं बोला, मैं फिर जहां पर था फिर मैं वहां पर ही आया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तलाफी ना हो. मैं आपसे अपील गुजारिश करता हूं वहां भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहां दूसरा सवाल करने के लिए तो उनको मौका दिया जाए, वरना फिर हम माइक नंबर चार की तरफ बहनों के शोबे में आ जाएंगे. तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरा बचपन में ऐसा हुआ था, मेरा कुछ मतलब जख्म. प्लीज बहनों के शोबे में अगर कोई बहन हूं माइक नंबर चार में तो मेरी गुजारिश है कि वो सवाल करें. माइक नंबर चार से अगर कोई सवाल हो, कोई गैर मुस्लिम खातून हो, तो उनको मौका दिया जाए. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है. हेलो, मैं निर्मला चौहान बोल रही हूँ. मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे इस्लामी मजहब कबूल कर रहे हैं. क्योंकि इस मजहब में अदब और बहुत ही डिसिप्लिन
और बहुत ही रिस्पेक्ट है, इसलिए ये संजीदगी का मुजाहरा करें, आप लोग खामोशी के साथ बैठे हैं, बेस्ट और सबसे प्यारा है। माशाल्लाह, बहन ने कहा कि वो ईसाई थी, क्रिश्चियन थी, और उसे लगता है कि इस्लाम मजहब सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन मजहब है, इसीलिए वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम मजहब पर कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव आप पे है? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कोई माली दबाव? कोई माली दबाव नहीं। फिजिकल दबाव? कोई फिजिकल दबाव नहीं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है, मालिक एक है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाल्लाह। तो अगर आप अपने दिल से कबूल करना चाहते, क्योंकि इस्लाम में किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। जी हाँ। इस्लाम में भी हराम है और इस देश में भी हराम है, लेकिन आप अगर अपने दिल से तहकी करने के बाद आपको लगता है कि इस्लाम धर्म, इस्लाम मजहब सबसे बेहतरीन है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इंशाल्लाह मैं अभी अरबी में कहूंगा वही जो मैंने दोहराया, और आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। आप बहन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह सुभाना व ताला आपको इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाल्लाह सफलता दे, और आप भी हमारे लिए दुआ करो, और इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी मुश्किलात पेश आती है, अगर कोई सवाल का जवाब चाहिए, तो आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, हमारे इदारे पे भी आ सकती है, और आपको कुछ भी गलत फहमी है तो इंशाल्लाह उसे दूर कर सकती है। है आया यू रिशे तातार के अफसाने से, है आया यू रिशे तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। माइक नंबर 5 जो भाइयों का माइक है पीछे की तरफ, उसमें अगर कोई भाई गैर मुस्लिम हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। भाई ने सवाल पूछा है कि उसके एक मुसलमान दोस्त ने कहा कि इस्लाम के मुताबिक सूरज सेंटर है और धरती ये जमीन उसके रिवॉल्विंग अराउंड इट, उसके गोल चक्कर लगा रही है, लेकिन साइंस कहता है, भाई साहब ने कहा कि सूरज सेंटर है और प्लैनेट्स उसको रिवॉल्व कर रही है। भाई साहब, अर्थ भी एक प्लैनेट ही है, तो जो कुछ आपके मुसलमान दोस्त ने कहा वो भी सही है और जो आपने कहा वो भी सही है, अर्थ इज अ प्लैनेट। तो आप जब कहते हैं कि प्लैनेट्स गोल चक्कर लगा रहा है सूरज के, अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, लेकिन ये कहना कि सूरज सेंटर में है, कुरान मजीद में ऐसी कोई भी आयत नहीं है ना हदीस में है। हम साइंस में जानते हैं कि सूरज सोलर सिस्टम का सेंटर है, सारे कायनात का सेंटर नहीं है। जो कुरान में जो आयत आती है सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में लिखा है, हुवल्लज़ी खलकल नहर व नहार, अल्लाह सुबहाना व ताला ने रात बनाई और दिन बनाए, व शम्स व कमर सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकी यसबून, ये आपस में घूम रहे
और अपने महवर पे चक्कर लगा रहे। कुरान कहता है कि सूरज और चांद बिसाइड्स रिवॉल्विंग दे आर इवन रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस, मींस घूमने के अलावा अपने महवर पे भी चक्कर लगा रहे हैं। दिस साइंस हैज अग्रीड एंड इवन कुरान हैज अग्रीड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी माइक नंबर एक से भाई, अपना नाम बताएंगे फिर से वापस? मेरा नाम दर्शन मोदी है और मैं एज अ स्टूडेंट डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैंने इस्लाम के बारे में जो कुछ है लाइक जानकारी प्राप्त कर ली है और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। भाई साहब ने कहा कि उसने इस्लाम की जानकारी हासिल कर चुकी है और इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ आप पे कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई भी नहीं है, बस अपने अल्लाह ताला एक है और उन पे ही भरोसा है। माशाल्लाह, आप पे कोई माली दबाव नहीं? कोई नहीं। कोई प्रेशर नहीं? कोई नहीं इंशाल्लाह। और आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर। माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह मैं अरबी में शहादत कहूंगा और आप उसे दोहराइए। जरूर जरूर। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वाशदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। मैं आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी बुक्स ने मुझे लाइक बहुत हेल्प की है और बस मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिएगा कि उनमें भी ईमान आ जाए और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए भी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी दुनिया में मिले, आखिरत में मिले। दुआ करेंगे अल्लाह सुबहाना तआला से कि आपके खानदान वालों को भी हिदायत दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं अपने नॉन मुस्लिम भाई बहनों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई टेररिज्म या उससे रिलेटेड नहीं है। इस्लाम एक अमन और एक पीस का धर्म है जो अपने को अल्लाह ताला दिए है और उसकी सच्चाई प्राप्त कर ले और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर आपको आप में अमन ले आएंगे। माशाल्लाह, भाई के इस छोटे के सेंटेंस ने कि इस्लाम टेररिज्म का मजहब नहीं है और अमन का मजहब है, शायद मेरी आखिरी दिन की तकरीर को आपने आसान किया, उसके लिए शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। माइक नंबर तीन, बहन के शोबे में कोई खातून हो तो उनको मौका दीजिए। नॉन मुस्लिम हो भैया। मेरा बचपन में ऐसा हुआ था, मेरा कुछ मतलब जख्म। प्लीज बहनों के शोबे में अगर कोई बहन हो माइक नंबर चार में तो मेरी गुजारिश है कि वो सवाल करें। माइक नंबर चार से अगर कोई सवाल हो, कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको मौका दिया जाए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है। हेलो, मैं निर्मला चौहान बोल रही हूँ। मैं क्रिश्चियन हूँ और मुझे इस्लामी मजहब कबूल कर रहे हैं। क्योंकि इस मजहब में अदब और बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही रिस्पेक्ट है, इसलिए ये मजहब का मुजाहरा करें। आप लोग खामोशी के साथ बैठे हैं। बेस्ट और सबसे प्यारा है। माशाल्लाह, बहन ने कहा कि वो ईसाई थी, क्रिश्चियन थी और उसे लगता है कि इस्लाम मजहब सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन मजहब है, इसीलिए वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम मजहब पर कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी दबाव आप पे है? नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कोई माली दबाव? कोई माली दबाव नहीं। फिजिकल दबाव? कोई फिजिकल दबाव नहीं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा एक है, मालिक एक है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाल्लाह,
تو اگر آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے، کیونکہ اسلام میں کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے، جی اسلام میں بھی حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے، لیکن آپ اگر اپنے دل سے تحقیق کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اسلام دھرم اسلام مذہب سب سے بہترین ہے، تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے انشاءاللہ۔ میرا نام پرگتی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں کالج میں۔ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی، میں نے کبھی بچپن میں سنا تھا کہ آپ کے اس میں کلرز، ہولی کلرز یا پاؤڈرڈ کلرز ایسا کو یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی ایسے کیوں ہوا۔ میں نے سوال پوچھا ہے کہ بچپن میں انہیں سنا ہے کہ اسلام میں کلرڈ پاؤڈر، ہولی پاؤڈر یوز کرنا حرام ہے۔ ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ رنگ کے پاؤڈر استعمال کرنا فی نفسی حرام ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو چیز ہے، جو فیسٹیولز ہے، اس کے بنیاد پہ آپ اس کا نقل کریں گے تو وہ غلط ہے۔ تو رنگ برنگی پاؤڈر فی نفسی استعمال کرنا، مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کو زخم لگتا ہے تو میں لال دوا لگاتا ہوں، لال پاؤڈر، لال پاؤڈر، تو لال پاؤڈر استعمال کرنا کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، تو رنگ برنگی پاؤڈر کرنا حرام نہیں۔ لیکن اگر آپ ہولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فیسٹیول ہے، یہ ایک فیسٹیول ہے جو غیر مسلمان مناتے ہیں، تو وہ فیسٹیول کو منانا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ایسا فیسٹیول وہ غلط ہے۔ لیکن پاؤڈر استعمال کرنا پر سے فی نفسی غلط نہیں ہے، اور وہ فیسٹیول کے پیچھے آپ دیکھیں گے کیا کیا وجہ وہ فیسٹیول کر رہے ہیں، تو جب آپ وجہ دیکھتے ہیں فیسٹیول کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو آپ وجہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیسٹیول وہ غیر مسلمان کیوں بنا رہا ہے، اکثر آپ جب تحقیق کریں گے یہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی فیسٹیول ہو، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ گنپتی ہو۔ تو یہ فیسٹیول کے آپ پیچھے جائیں گے، اس کی ہسٹری جانیں گے، تو اکثر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اسی لیے اسے منانا غلط ہے۔ ہوپ دا آنسر از دا کوسچن۔ مائک نمبر دو بھائیوں کے شعبے میں، سینٹر میں جو مائک رکھا گیا ہے، اس میں کوئی بھائی غیر مسلم ہو تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ جی بھائی، اپنا نام اور پیشہ۔ میرا نام راجو شرما ہے، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال کچھ الگ ہے۔ میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا، میں پہلے سے بہت مانتا ہوں، مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں، یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں، پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں۔ پھر بعد میں کیا ہوا، میرے کو کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا، جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا بوتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے، وہ جیسے شرک تھا، تو یہ جو درگاہ جانا، چادر چڑھانا، ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا، گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرک ہے۔ تو میں بولا، میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے، کوئی ایسا سوال کیجئے جو اختلافی نہ ہو۔ میں آپ سے اپیل گزارش کرتا ہوں وہاں بھائیوں سے کہ کسی کوئی دوسرا ساتھی اگر کھڑا ہو وہاں دوسرا سوال کرنے کے لیے تو ان کو موقع دیا جائے، ورنہ پھر ہم مائک نمبر چار کی طرف بہنوں کے شعبے میں آ جائیں گے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ابھی عربی میں کہوں گا وہی جو میں نے دہرایا، اور آپ اسے دہرائیے انشاءاللہ۔ جی، اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انا محمدن عبدہ
عبدو و رسولو و رسولو میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے اور پیغمبر ہے آپ بہن الحمدللہ مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا دے اور آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کرو اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی مشکلات پیش آتی ہے اگر کوئی سوال کا جواب چاہیے تو آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں ہمارے ادارے پہ بھی آ سکتی ہے اور آپ کو کچھ بھی غلط فہمی ہے تو انشاءاللہ سے دور کر سکتی ہے ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے مائک نمبر 5 جو بھائیوں کا مائک ہے پیچھے کی طرف اس میں اگر کوئی بھائی غیر مسلم ہوں تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ اسلام کے مطابق سورج سینٹر ہے اور دھرتی یہ زمین اس کے ریوالوگ اراؤنڈ اٹ اس کے گول چکر لگا رہی ہے لیکن سائنس کہتا ہے بھائی صاحب نے کہا کہ سورج سینٹر ہے اور پلانٹس اس کو ریوالو کر رہی ہے بھائی صاحب ارتھ بھی ایک پلانٹ ہی ہے تو جو کچھ آپ کے مسلمان دوست نے کہا وہ بھی صحیح ہے اور جو آپ نے کہا وہ بھی صحیح ہے ارتھ از اے پلانٹ تو آپ جب کہتے کہ پلانٹس گول چکر لگا رہا ہے سورج کے ارتھ از آلسو اے پلانٹ لیکن یہ کہنا کہ سورج سینٹر میں ہے قرآن مجید میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے نہ حدیث میں ہے ہم سائنس میں جانتے ہیں کہ سورج سولر سسٹم کا سینٹر ہے سارے کائنات کا سینٹر نہیں ہے جو قرآن میں جو آیت آتی ہے سورہ انبیاء کی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں لکھا ہے هو الذی خلق النہر و نہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات بنائے اور دن بنائے والشمس والقمر سورج اور چاند کل فی فلک یسبحون یہ آپس میں گھوم رہے اور اپنے محور پہ چکر لگا رہے قرآن کہتا ہے کہ سورج اور چاند بسائڈ ریوالونگ دے آر ایون روٹیٹنگ اباؤٹ دے اون ایکسس مینس گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ بھی چکر لگا رہے دس سائنس ہیز اگریڈ اینڈ ایون قرآن ہیز اگریڈ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن جی مائک نمبر 1 سے بھائی اپنا نام بتائیں گے پھر سے واپس میرا نام درشن مودی ہے اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ ڈپلوما ان کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں اور میں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ ہے لائک جانکاری پراپت کر لی ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں